गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद करो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट के सिंबल्स क्या होते हैं, सर्किट का डायग्राम क्या होता है। फिर हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखा, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एमीटर हो गया, वोल्टेमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मीटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि आज के यानी कि प्रीवियस लेक्चर में ये बात मैंने आपको बोली थी कि वो लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और वही लेक्चर आज हम लोग लेके आए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग बातें। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? तो इस चीज को ध्यान से देखिए। अब बिना देर किए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा बात है। देखो हालांकि ऐसा है कि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, समझना मेरी बात को। कैसे सर? जैसे आप एक नई टॉर्च ले लो और नई टॉर्च के अंदर नई बैटरी को डालो। जब आप नए टॉर्च में नए बैटरी को डालोगे, पुराने टॉर्च में भी डालोगे तो काम चलेगा, लेकिन जब सब नया है तो नया ही ठीक है ना, तो आप देखोगे कि उस टॉर्च की रोशनी बहुत तेज है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है और आप उस टॉर्च को प्रयोग करते जाते हैं, यूज करते जाते हैं, तो एक टाइम आता है जब उसकी रोशनी धीरे धीरे डीम होने लगती है, कम होने लगती है। ऐसा होता है, एकदम होता है ना। अब बात आती है ऐसा क्यों? तो आप सोचते हो कि सर इसकी बैटरी खत्म हो गई है ना, तो एक नए बैटरी को डाला जाए। तो यही सब रोजमर्रा की जिंदगी में जब हमने चीजें ऑब्जर्व करी तो एक साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज सिमोन, ओम्स नाम था उनका, वो आए और उन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है ना। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया? तो किसी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच और उसमें फ्लो कर रहे करेंट के बीच। तो अगर हम ओम्स लॉ की शुरुआत करें, अगर हम आपको समझाना चालू करें कि मेरे प्यारे बालकों आखिर ये ओम्स का लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, तो इसमें मैं सबसे पहले जो स्टेटमेंट बच्चों को समझाता हूं वो ये है कि इट गिव्स द रिलेशनशिप, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड अमाउंट ऑफ करेंट इन अ कंडक्टर। एकदम आराम से समझने की कोशिश करो, इन अ कंडक्टर यानी समझना मेरी बात को। मान लो कि आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, एकदम सिंपल सा ये कंडक्टर है ना, और आपने क्या किया कि इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब मैं ये सिंबल यूज कर सकता हूं बच्चों, बिकॉज आप इस सिंबल का मतलब समझते हो, बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही तुम इस बैटरी से कनेक्ट करने के बाद स्विच को ऑन करोगे, इसके अंदर करेंट प्रोड्यूस होने लगेगा। मान लो वो करंट आई अमाउंट का प्रोड्यूस हुआ और इसकी पोटेंशियल थी भी, समझ रहे हो बात को? तो इस भी यानी इस पोटेंशियल और इस करंट में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को कौन बताता है? ओम्स लॉ बताता है। तो हमेशा याद रखना कि ओम्स लॉ कंडक्टर में फ्लो कर रहे करंट और उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। क्या है वो रिलेशन सर जी? तो कहते हैं ओम्स साहब, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एकदम ध्यान से देखो, कोई चिंता का विषय नहीं है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के
हिसाब से एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझने की कोशिश करना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने कुछ चीजों को कॉन्स्टेंट रखा है और वो चीजें क्या है मेरे बालकों, वो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, कहने का मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ओम्स लॉ कहते हैं जब आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दिया है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है कि जब आप टेम्परेचर को और प्रेशर को, याद रखना बेटा ये लाइन लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर बदलोगे ना तो ये ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। समझना बात को, मैं ये सब भी चीजें बताऊंगा कि कहां पे ओम्स लॉ सेटिस्फाई करेगा कहां नहीं करेगा, लेकिन ये समझो तुम्हारे लेवल पे बोला गया है कि टेम्परेचर को जब कॉन्स्टेंट रख दिया जाए, प्रेशर को जब कांस्टेंट रख दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या होता है बच्चों? उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम यहां से कह सकते हैं इस जगह से कि मेरा जो अमाउंट ऑफ करंट आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी के, या फिर इसी चीज को हम थोड़ा आसान करने के लिए लिखते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। दोनों बातें क्या होती है, एक लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम है आपके लेवल पे, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हो गया या फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट आता है और वो कॉन्स्टेंट है आर, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है भी इज इक्वल टू आई आर, भी इज इक्वल टू आई आर। जहां पे देखा जाए अगर, वेयर भी क्या है मेरे बच्चों, तो भी डिनोट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और अगर मैं पूछूं आई किसको, तो आई डिनोट करता है करंट को, और अगर मैं पूछूं आर किसको, तो आर एक नया क्वांटिटी है, इसको कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? रेसिस्टेंस। क्या है हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो। तो चलो अब एक बात बताओ मेरे को, बड़ी छोटी सी बात है कि भाई साहब ओम्स लॉ रिलेशनशिप देता है पोटेंशियल डिफरेंस मेरे बालकों किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। और वो रिलेशनशिप क्या है कि जब हमने कंडक्टर को, यानी हमने जब टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो उस केस में जो करंट फ्लो करेगा, जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। अब हमें इक्वेशन निकालना होता है, इसीलिए हम लिखते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और फिर हम क्या करते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाने के लिए वहां लगा देते हैं आर, तो हो जाता है भी इज इक्वल टू आई आर, जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर के अलोंग, आई अमाउंट ऑफ करंट होता है कंडक्टर के अलोंग, और आर रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है? आर रेसिस्टेंस होता है। आ रही है ना बात समझ में? कहीं कोई इसमें दिक्कत हो रहा है क्या? एकदम नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है? तो एक काम करो, पहले इसको उतारो, फिर हम लोग थोड़ी सी बातें और आगे डेप्थ में बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो फटाक से इसको उतार लो बच्चों। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने उतार लिया होगा। चलिए आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ के बारे में जो हल्की फुल्की डिटेल है वो आप समझ रहे हो। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ जाए।
देखो तो ये तो बातें हो गई कि हाँ चलो ओम्स लॉ क्या है, तो ये कंडक्टर में फ्लो कर रहे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। और वो रिलेशन क्या है मेरे बालकों, तो वो रिलेशन है सर V इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है रिलेशन बताओ, V इज इक्वल टू आई आर का रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। ये है ओम्स लॉ का रिटन स्टेटमेंट। अब कहा जाता है कि जब हम लोग V और I को डिवाइड करते हैं, V और I को डिवाइड करते हैं तो अपने को R मिलता है। क्या मिलेगा बताओ, V और I को डिवाइड करोगे तो R मिलेगा, है ना। अच्छा बताओ यहां पे ये R क्या होता है, R को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या है मैं समझाऊंगा, उसके लिए तुम एकदम चिंता मत करो, क्या है हम समझाएंगे। अब देखो क्या हुआ, कहा गया कि ओम्स लॉ के मुताबिक जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है, मैं यहां पे लिख दूं ये क्या है बताओ, ये है क्या, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, किसके साथ, करंट के साथ। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। किसके लिए कांस्टेंट होता है, यहां पे लिख देंगे फॉर अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा भैया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका रेशियो करंट के साथ कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर के लिए। और इस रेशियो को एक नाम दिया गया रेसिस्टेंस। क्या है मैं बताऊंगा, अभी उसका चिंता मत करो, अभी हम ओम्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि ओम्स लॉ का रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर। जब हम V अपॉन आई लिखेंगे तो हमको किसी एक कंडक्टर के लिए V अपॉन आई का रेशियो कॉन्स्टेंट मिलेगा। मतलब हुआ क्या समझना, हमारे ओम्स साहब ने एक सर्किट बनाया, ठीक है, और सर्किट में लगा दिया रेसिस्टेंस, एक ऐसा रेसिस्टेंस जिसको बदला जा सकता हो, जिसको क्या किया जा सकता हो, बदला जा सकता हो या फिर मत बदलो, और इसके अंदर लगा दिया पोटेंशियल का सोर्स। एकदम आसानी से देखना, इसके अंदर क्या लगा दिया, पोटेंशियल का सोर्स। चलो अब देखो ध्यान से, ये मेरा वोल्टेज है, ये मेरा बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है और ये रेसिस्टेंस है। पाया गया मान लो इसका रेसिस्टेंस आर है ना। अच्छा इसके जो वोल्टेज है भी है और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। आर की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 2 ओम, कितना मान लेते हैं 2 ओम, 2 ओम एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए हमने क्या मान लिया, 2 ओम का हमने रेसिस्टेंस ले लिया। अब क्या किया गया बच्चों कि एक टेबल बनाया गया, एकदम ध्यान से देखना, एक टेबल बनाया गया। इस टेबल में क्या क्या लिखा गया, इस टेबल में लिखा गया इधर भी का वैल्यू लिखा गया, इधर आई का वैल्यू लिखा गया, ठीक। सबसे पहले जब भी को 10 वोल्ट लिया गया, भी को कितना लिया गया 10 वोल्ट, तो उस कंडीशन में जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो 5 एम्पियर का करंट, जी वोल्टेज लगाओगे तो करंट पता चलेगा ना, तो 10 वोल्ट लेने पे कितना एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होगा, 5 एम्पियर का। उन्होंने इसको 12 वोल्ट कर दिया तो करंट भी 6 एम्पियर हो गया। उन्होंने इसको 18 वोल्ट कर दिया तो करंट 9 एम्पियर हो गया। उन्होंने इसको 20 वोल्ट कर दिया तो करंट 10 एम्पियर हो गया। अब इसी तरीके से उन्होंने ढेर सारे वैल्यू पे रख के चेक किया, एक कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर होगा तो उसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, एक कंडक्टर ले लिया गया, कंडक्टर का नाम मान लो A, B, एक कंडक्टर ले लिया गया और वोल्टेज को धीरे धीरे बदला गया। पहले 10 वोल्ट किया गया, फिर 12 वोल्ट, फिर 18 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, ऐसे अलग अलग वोल्टेज लगाया गया। जब डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज उन्होंने लगाया तो करंट मिला 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 9 एम्पियर, 10 एम्पियर, अलग अलग करंट मिला। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन उन्होंने पाई, उन्होंने हर केस में वी अपॉन आई निकाला, वी अपॉन आई हर केस में। जैसे 10 वोल्ट बाई 5 एम्पियर करो तुमको वही मिलेगा जो जब तुम 12 वोल्ट बाई 6 एम्पियर करोगे, तुमको वही मिलेगा जब तुम 18 वोल्ट बाई 9 एम्पियर करोगे, तुमको वही मिलेगा जो 10 एम्पियर से डिवाइड करोगे, यानी किसकी वैल्यू मिलेगी, 2 ओम वैल्यू मिलेगी, समझ लो बात को। तो इससे पता चला कि आप जब पोटेंशियल को बदलते हैं
तो करंट इस तरीके से बदल जाता है कि भी और आई का रेशियो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो कहा गया फॉर अ गिवन कंडक्टर, क्या कहा गया मेरे बच्चों, फॉर अ गिवन कंडक्टर, दिए गए कंडक्टर के लिए, कंडक्टर नहीं बदलना है, फॉर अ गिवन कंडक्टर रेशियो ऑफ वी एंड आई इज ऑलवेज कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो भी अपॉन आई किसके बराबर होगा, आर यानी रेसिस्टेंस के। यानी अगर आपका कंडक्टर फिक्स है और आपने वोल्टेज को बदला, तो वोल्टेज के बदलने से आपका करंट भी इस तरीके से बदल जाता है कि भी और आई का रेशियो कांस्टेंट आया। जैसे तुम्हारा वोल्टेज पहले था 10 वोल्ट, तुमने उसको 12 वोल्ट कर दिया, तो करंट भी 5 एम्पियर से 6 एम्पियर में बदला कि 12 बटा जब 6 करोगे तो तुमको फिर से कितना मिल जाए, 2 ओम का ही रेसिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, तो ये भी एक खास बात है ओम्स लॉ को, और इसका चिंता मत करो। आज मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि एक वोल्टमीटर और एक एमीटर मुझे मिल जाए, मार्केट जाऊंगा, अगर मुझे वोल्टमीटर और एमीटर मिल जाता है तो कल इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैं अलग अलग वोल्टेज सेट करूंगा और उसके लिए करंट अलग अलग आएगा, आपको अलग अलग वोल्टेज अलग अलग करंट, अलग अलग वोल्टेज अलग अलग करंट नोट करना है और नोट करके देखना है कि वी बाई आई का रेशियो सेम आता है कि नहीं। तो हो सकता है कि कल की क्लास आपकी प्रैक्टिकल क्लास हो, ठीक, लेकिन अगर आज मुझे वो डिवाइस मिल जाएगा तो, है ना, मिल जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा, खोजेंगे, मिलना ही है, मिल जाएगा तो कल हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही समझो, थ्योरेटिकली समझो कि एक रेसिस्टर अगर फिक्स है, माने एक कंडक्टर अगर फिक्स है, तो वोल्टेज को बदलने से करंट भी इस प्रकार बदलता है कि वी अपॉन आई का रेशियो हर बार क्या आए, सेम आ जाए, और यही है ओम्स लॉ। समझ गया ना बात को, ये है ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसको उतारो फिर हम कुछ और बातें करते हैं, उतार लीजिए इसको फटाक से। चलो बच्चों, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट चल रहा है सर जी, हमने ओम्स लॉ देखा, हमने ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी पाई। ठीक है, अब हम लोग जरा ओम्स लॉ के ग्राफ के बारे में बात करते हैं, है ना, ग्राफ के बारे में देखा जाए तो देखो ध्यान से, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ है ना, तो चलो बताओ क्या है मेरा, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो हम यहां पे देखो, वेरिएबल रेसिस्टेंस तो वेरिएबल नहीं है, जैसे अगर मान लो मैंने यहां पे एक कंडक्टर ले लिया, बालकों समझना मेरी बात को, मैंने यहां एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और इस कंडक्टर को मैंने किससे ऐड कर रखा है बताओ, एक बैटरी के सोर्स से ऐड कर रखा है। ठीक है, तो इसका भी मान लो ये है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, तो हम भी को बदल सकते हैं, और भी को बदलेंगे तो आई भी बदलेगा, लेकिन हम इस कंडक्टर को तो नहीं बदलने वाले ना, हम कभी भी किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ही ना लॉ निकालेंगे, तो हम कंडक्टर को तो नहीं बदलने वाले, और अगर कंडक्टर नहीं बदलेंगे तो ये आर भी नहीं बदलेगा, तो आर तो फिक्स है, किसी पर्टिकुलर के लिए आर फिक्स है, तो बदलने वाला कौन है, भी और आई, यहां पे बदल कौन रहा है, भी और आई। तो या तो ग्राफ हम जो बनाए वो भी वाई एक्सिस पे रखें और करंट आई एक्स एक्सिस पे रखें, यही कर सकते हैं, और अगर ये ग्राफ अगर हम ना बनाए तो हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम क्या कर सकते हैं, हम आई को वाई एक्सिस पे रख सकते हैं और भी को एक्स एक्सिस पे, यही दो टाइप के ग्राफ बनेंगे, यही भी आई बन सकता है और नहीं तो आई भी ग्राफ बन सकता है। तो ओम्स लॉ में मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं, पहला भी आई ग्राफ बनता है और नहीं तो आई भी ग्राफ बनता है, भी आई नहीं तो आई भी। अब समझो, जब तुमने V को Y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया, देखो यहां V इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, आई आर, तुमने V को Y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया, R आपका कांस्टेंट है तो उसको M मान लो, और I को आपने X एक्सिस पे, तो ये ग्राफ किस चीज का हो गया,
y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ। याद करिएगा आप लोग बच्चों कि y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हमने पॉलिनोमियल में कैसा सिखाया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो बताओ, जीरो वोल्टेज पे करंट भी जीरो, तो जैसे जैसे आप करोगे इसका कॉन्स्टेंट टक 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 ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ओम्स लॉ के जब ग्राफ को, इसका ग्राफ हम लोग कल और बढ़िया सीखेंगे, जब कल प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो जब हम ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ बनाएंगे बड़े मजेदार तरीके से सीखेंगे, तो भी आई का ग्राफ अपना ऐसा बनेगा, भी इधर और आई इधर, इसका रेशियो ऐसे जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, सिंपल सी बातें हैं। चलो मेरे को बताओ, कभी भी आई का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओम्स लॉ में भी आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। ठीक, अब ये एक लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखो। तो बताओ भी आई ग्राफ कैसा होता है? इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या क्या बताओ बताओ बताओ, पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से पास करता हुआ? ओरिजिन से पास करता हुआ। ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, ठीक है, ये भी और आई का जो ग्राफ है उसका स्लोप, स्लोप ऑफ भी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। जो भी आई ग्राफ का स्लोप होता है बच्चों, वो क्या देता है? रेसिस्टेंस। यानी ये जो ग्राफ बना, इसने यहां पे थीटा एंगल बना, मैंने स्लोप भी बताया, याद करो, ये जो थीटा एंगल बना, इस थीटा में अगर हम टैन थीटा निकालें तो हमको क्या मिलेगा? इस ग्राफ का स्लोप मिलेगा, और ये स्लोप किसके बराबर होगा? उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस के बराबर। यानी समझने की कोशिश करो, एक छोटा सा क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। अगर मान लो तुमको यहां ग्राफ ऐसे दे दिया, ठीक, और यहां दिखा रहा है कि जब यहां आई है यहां भी है, जब 5 एम्पियर करंट था तो वोल्टेज 10 वोल्ट था, और तुमसे पूछेगा कि भैया जी रेसिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे रेसिस्टेंस क्या होता है? भी अपॉन आई होता है। बताओ वोल्टेज 10 है, उस वक्त करंट कितना है? 5, तो रेसिस्टेंस कितना हो गया? 2 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो चलो बताओ, वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है, साथ साथ उसका स्लोप क्या देता है? रेसिस्टेंस देता है। एक और मजेदार चीज देखो, यहां पे जगह ही नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दिखाते हैं इसको, इसी को वीआई कर लेते हैं, आई भी इसके बाद देख लेंगे। ये वी हो गया और ये आई हो गया, इसको बी मत रखो। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको, ये क्या है? क्वेश्चन 2, हमने इसमें 3 कंडक्टर के ग्राफ बनाए, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी और कंडक्टर सी। मैंने पूछा कि इनमें से किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ए का, बी का, सी का? तो समझो यहां पे स्लोप का रोल कौन प्ले कर रहा है? रेसिस्टेंस। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, तो किसका स्लोप ज्यादा है? सी का। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस है सी का, सी के बाद है हमारे बी का, और सबसे कम रेसिस्टेंस है ए का। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरीके से अगर तुमको बोले कि सजा के दिखाओ रेसिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम, सजा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको बड़े आराम से उतार लीजिए। चलिए, अब आ जाओ, अब हम लोग जरा सा बात करने वाले हैं उल्टा आई भी ग्राफ का, है ना, आई भी ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। आइए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं, इधर रहेगा मेरा वाई एक्सिस पे एम्पियर और इधर मेरा रहेगा यहाँ पे भी आई भी ग्राफ। ठीक है, एकदम सिंपल समझना। तो हम जानते हैं कि भी इज इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि आई को हम लिख सकते हैं 1/r इंटू भी, बात बराबर है? सर जी यहाँ आई वाई एक्सिस पे वाई को रिप्रेजेंट करेगा, 1/r स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और भी जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी भी ग्राफ वाई इक्वल टू एम एक्स का ही है, यानी अभी भी जो ग्राफ बनेगा ये ओरिजिन से जाता हुआ ही बनेगा, लेकिन लेकिन पहले ग्राफ में जो स्लोप हुआ करता था वो रेसिस्टेंस देता था, लेकिन अब की बार ये क्या देगा? 1/resistance। इस 1/resistance को एक नया नाम दिया गया, कहा गया कंडक्टेंस। क्या है कंडक्टेंस? मैं सब समझाऊंगा, रेसिस्टेंस समझोगे तब तो कंडक्टेंस समझोगे, अभी तो हम ओम्स लॉ समझ रहे हैं। समझो बात को, समझ रहे हो बात को? तो जब आई भी ग्राफ बनाते हैं,
तो ग्राफ तो सेम बनता है, पलट क्या जाता है, जो स्लोप वहां पे VI में रेसिस्टेंस देता था यहां पे 1/ रेसिस्टेंस देता है, जो किसके बराबर होता है, कंडक्टेंस के बराबर। 1/ रेसिस्टेंस जो कहते हैं कंडक्टेंस कहते हैं, समझ रहे हो। जैसे आप समझो, मान लो यहां हम तुमको एक क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन 3, यहां पे मैंने करंट लिख लिया, यहां पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, और मैंने तीन ग्राफ बनाए, टैक टैक टैक, ये था ए का, ये था बी का, ये था सी का। अब मैं पूछूं कि बताओ किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा, तो भैया यहां जो स्लोप है वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेसिस्टेंस कम। यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो स्लोप जो है वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो किसका स्लोप ज्यादा, सी का ज्यादा, तो इसकी रेसिस्टेंस सबसे कम, फिर बी की, और सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका, ए का। लेकिन अगर हम कंडक्टेंस पूछ दें तो कंडक्टेंस तो डायरेक्टली है, तो सबसे ज्यादा सी का, फिर बी का कंडक्टेंस, और सबसे कम कंडक्टेंस ए का। आ रही है ना बात समझ में, ये थोड़ा सा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन ऐसा दे देता है, उसमें चिंता का विषय नहीं। हो गया, सिंपल सा है ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। चलो ठीक है, एक बार सारी चीजों को कंक्लूड करें और तब आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ आज की क्लास किस चीज से स्टार्ट हुई। सर आज की क्लास स्टार्ट हुई ओम्स लॉ से। हमने ओम्स लॉ में क्या सीखा कि सर जो ओम्स लॉ होता है वो रिलेशन देता है किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। वो रिलेशन क्या है कि किसी भी कंडक्टर को अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे रख दिया जाए तो वो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस, आई होती है करंट और आर होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है अभी हमें नहीं पता, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि भी अपॉन आई किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। भी को अगर आई से डिवाइड करो, रेशियो ऑफ भी अपॉन आई ले लो, तो किसी एक कंडक्टर के लिए वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो बदलेगा नहीं। अगर आप भी को बदलोगे तो उसी हिसाब से आई भी बदल जाएगा कि रेशियो फिर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। फिर हमने ग्राफ देखा, ग्राफ में हमने क्या देखा कि भाई साहब दो प्रकार के ग्राफ होते हैं, एक VI ग्राफ और एक IV ग्राफ। VI ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, IV ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अंतर बस इतना है कि VI ग्राफ का स्लोप रेसिस्टेंस देता है और IV ग्राफ का स्लोप 1/ रेसिस्टेंस यानी कंडक्टेंस देता है, ठीक है। सारी चीजें हमने देख ली, अभी हमने क्वेश्चंस कुछ नहीं किया बच्चों, न्यूमेरिकल की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। न्यूमेरिकल तो बहुत मस्त मस्त न्यूमेरिकल बनेगा, देखेंगे हम लोग, एकदम देखेंगे, प्रॉपर एग्जैक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस होगा, लेकिन पहले थ्योरी, थ्योरी तो क्लीन हो तब तो न्यूमेरिकल, तो ये बातें क्लीन है। चलो थोड़ा और डीप में चलते हैं। चलो इसको मिटा दो मेरे बच्चों, उतार लिए होगे, उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना। कोशिश करूंगा कि इसका भी रिटन असाइनमेंट आपको मिल जाए जैसे कल वाला मिला था। एक्चुअली पता है लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है और टाइम की कमी रहती है, लेकिन ठीक है, कोशिश करूंगा कि लिख के दे दूं आपको ताकि आसानी मिले थोड़ी सी, लेकिन आप अपने हाथ से जरूर उतारोगे, है ना, नहीं तो बड़ा मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो धीरे धीरे ओम्स लॉ की बातें लोग मानने लगे, ओम्स लॉ हर जगह वैलिड होने लगा, लेकिन फिर एक समय आया जब ओम्स लॉ वैलिड नहीं होने लगा, ओम्स लॉ का वैलिडेशन फेल कर गया, वहां पे ओम्स लॉ काम नहीं किया, ओम्स के जो लॉ थे कि भी अपॉन आई कांस्टेंट होगा नहीं रहा, कंडक्टर फिक्स था लेकिन भी और आई का रेशियो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अलग अलग आने लग गया, ओम्स लॉ बेचारे परेशान। तो वहां पे उन्होंने कुछ और कंक्लूजन निकाला, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। क्या बात कही पहले मैं लिख दे रहा हूं और तब समझाता हूं तुमको कि क्या बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अ कंडक्टर या अ कंडक्टिंग डिवाइस ओबे ओम्स लॉ। एक कंडक्टिंग डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे करेगा, यानी वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, कब, इफ, दो कंडीशन। पहला कंडीशन उन्होंने दिया कि व्हेन द
रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग डिवाइस, व्हेन द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग डिवाइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ, मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। दो बातें थी, उनमें से पहला बात क्या कहा उन्होंने कि एक कंडक्टिंग डिवाइस ओम्स लॉ को तभी ओबे करेगा, एक कंडक्टिंग डिवाइस ओम्स लॉ को तभी ओबे करेगा जब कंडक्टिंग डिवाइस का रेसिस्टेंस क्या है, मैं बताऊंगा कुछ है, कंडक्टिंग डिवाइस का रेसिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट होने का मतलब डिपेंड ना करे, किस पे डिपेंड ना करे, मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर मेरा रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस डिपेंड क्या हो रहा है, नहीं करता हो किस चीज पे नहीं करता हो, डिपेंड किस पे नहीं करता हो, मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब समझो, यहां फिगर से समझो, जैसे मान लो मेरा ये एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा, है ना। अब हमने यहां पे बैटरी लगाया, ठीक है, तो इस कंडक्टर की रेसिस्टेंस कुछ होगी, हमने बैटरी लगाई, बैटरी मैंने V1 लगाया, तो जब V1 वोल्टेज का लगाए तो इसका जो रेसिस्टेंस था वही रेसिस्टेंस होना चाहिए, जब मैंने V2 वोल्टेज का लगाया फिर भी वही होना चाहिए, जब V3 का लगाया फिर भी वही होना चाहिए। यानी अमाउंट बदलने से, पोटेंशियल डिफरेंस के अमाउंट को बदलने से ये कंडक्टर की रेसिस्टेंस नहीं बदलनी चाहिए। सब अब यहां पे देखो, प्लस इधर है माइनस इधर है, अगर हम इसको पलट दें है ना, इधर माइनस कर दें और इधर प्लस कर दें, फिर भी इसका रेसिस्टेंस आर रहे, तब जाके हम कहेंगे कि ये कंडक्टिंग डिवाइस, ये कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करेगा। ये पहला स्टेटमेंट था बच्चों, ये पहला स्टेटमेंट था, ठीक। तो चलो बताओ, ओम्स लॉ को ओबे करने का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कि जो कंडक्टिंग डिवाइस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो कंडक्टिंग डिवाइस का रेसिस्टेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी डिपेंड नहीं करना चाहिए, किस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मैग्नीट्यूड माने 10 वोल्ट हो फिर भी रेसिस्टेंस वही, 50 वोल्ट हो फिर भी रेसिस्टेंस वही, 500 वोल्ट हो फिर भी रेसिस्टेंस वही। और पोलैरिटी का मतलब क्या है, कि सर प्लस को इधर कर दें माइनस को इधर कर दें, या माइनस को इधर कर दें प्लस को इधर कर दें, फिर भी मेरा रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आ रही है ना बात समझ में, तो जाके वो ओबे करेगा ओम्स लॉ को। ये पहली बात हो गई, ठीक। नेक्स्ट और भी एक बात है, क्या है, इसको उतार लो पहले फिर बताते हैं, जल्दी से उतारो। अब देखो दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात क्या आती है, कहता है व्हेन द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बी, व्हेन द रेसिस्टिविटी, भैया रेसिस्टिविटी क्या है मैं बताऊंगा आपको, व्हेन द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग device, when the resistivity of material of conducting device is independent of magnitude and direction of, independent of magnitude and direction of electric field। बच्चों रेसिस्टिविटी क्या होती है मैं एक्सप्लेन करूंगा, रेसिस्टेंस के बाद ही इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अभी बस इतना समझो कि अगर मटेरियल जिस चीज से कंडक्टिंग डिवाइस बना, जैसे मान लो ये एक कॉपर का वायर है, तो ये वायर किस चीज से बना है, कॉपर से,
तो उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी होती है। अगर उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, यानी डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे कि मेरा कंडक्टिंग डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, ये और क्लियर होगा जब आप रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी समझ जाइएगा। तो अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखिए। अब आती है ये बातें कि सर वैसे डिवाइस जो ओम्स लॉ के को ओबे नहीं करते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्या होते हैं वो? नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ओम्स लॉ को ओबे नहीं करने का मतलब, यानी उनके लिए वी बाई आई कॉन्स्टेंट नहीं होता है, वी बाई आई कॉन्स्टेंट नहीं होता है। ओमिक डिवाइस के लिए अगर हम यहां पे ऐसे लिख दें, ओमिक कंडक्टर, तो अगर हम ओमिक कंडक्टर की बात करें बच्चों, तो ओमिक कंडक्टर के लिए भी अपॉन आई क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए भी अपॉन आई कॉन्स्टेंट नहीं होने वाला, ये कभी कॉन्स्टेंट नहीं होगा। सर जैसे एग्जाम्पल बताओ, कुछ कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल बताओ। एक सेकंड बच्चों, मैं नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। जैसे नॉन ओमिक कंडक्टर में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वैक्यूम ट्यूब, थोड़ा आगे समझोगे इन सबके बारे में, वैक्यूम ट्यूब। फिर आपको मिलेगा सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो नॉन ओमिक होते हैं। सेमी कंडक्टर मत लिखो, सेमी कंडक्टर डायोड लिखो ज्यादा अच्छा है। डायोड क्या है एक्सप्लेन होगा बाद में, अभी नहीं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट ले लो, जैसे पानी में NaCl मिला दोगे, वो वाली चीज इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ये भी आपका नॉन ओमिक है। फिर डी नंबर पे इलेक्ट्रोलाइट के साथ ले सकते हो तुम ट्रांजिस्टर ले लो, ट्रांजिस्टर ले लो, ट्रांजिस्टर का नाम सुने हो, ट्रांजिस्टर ले लो। ट्रांजिस्टर के साथ तुम थर्मिस्टर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर तक रहने दो। और ओमिक डिवाइस बाकी जो बच गया क्या है? ओमिक डिवाइस है बाकी जो भी, मेटल वायर कॉपर फैन बल्ब सब ओमिक डिवाइस है। लेकिन ये कुछ ऐसे है जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट माने जैसे आप NaCl को नमक को पानी में मिला दिया तो इलेक्ट्रोलाइट बन गया, वो नॉन ओमिक होता है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, अब क्या होता है सेमीकंडक्टर डायोड, आगे सीखोगे बस नाम जान लो। ट्रांजिस्टर हो गया, क्या होता है आगे जानोगे। ठीक, तो ये सब चीजें जो है वो नॉन ओमिक है, यानी ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती है। क्यों नहीं ओबे करती है? तो जो दो कंडीशन बताया उस दो कंडीशन में से कोई सा भी कंडीशन फॉलो नहीं होता होगा, समझ रहे हो? अब क्या है कैसे उतना डीप में जानेंगे तो फिर हम 12th पढ़ने लग जाएंगे, नहीं तो बस अभी के लिए इतना काफी है। समझ गए बात को? तो इसको उतारो फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए मेरे हिसाब से आप इसको उतार लिए होंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों ओम्स लॉ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्ट हो गया भाई, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओम्स लॉ समझ में आ गया। इस वीडियो को एक से दो बार देख लेना, तुम्हारी कॉन्सेप्ट और अच्छी हो जाएगी। फिर जो भी चीजें मैंने इस पे बताई उसको नोट्स के द्वारा अपने से उतार लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें हो सकता है मैं रिटेन, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, हो सकता है कि मैं आपको रिटेन दे दूं, है ना, और अगर टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं दे पाऊंगा, कल दूंगा फिर या परसों दूंगा, लेकिन मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों ओम्स लॉ में एक नया टर्म आया था जिसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया, और वो टर्म है रेसिस्टेंस। क्या होता है रेसिस्टेंस, किसको कहते हैं रेसिस्टेंस, समझ लो बात को, इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए क्या है रेसिस्टेंस, है ना, सिंपल सी बात। तो कहता है कि रेसिस्टेंस क्या है, तो कहा गया कि रेसिस्टेंस इज That characteristic property of a conductor by the
virtue of it. By the virtue of which होगा, sorry, the by the virtue of which it opposes the flow of current in a conductor. एकदम आसानी समझो, resistance किसी भी conductor की वो property है जिसके वजह से कंडक्टर अपने अंदर चार्ज के फ्लो को या फिर हम कहें करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, कहता है कि नहीं आप मत फ्लो हो. आ रही है बात समझ में? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं. रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है. कंडक्टर बदलोगे, रेसिस्टेंस बदल जाएगा. समझना, तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कंडक्टर करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, फ्लो नहीं करने देता है, रेसिस्ट करता है. रेसिस्ट माने रोकना, रोकता है, रेसिस्ट करता है. इसको क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं. समझ रहे हो ना बात को? यानी कंडक्टर के अंदर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोकती है, उस प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस कहा जाता है. ठीक है, इसमें दूसरी बात. नेक्स्ट क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन कंडक्टर. किसी दिए गए कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस क्या होता है मेरे प्यारे बालकों? फिक्स्ड होता है, वो बदलता नहीं है. अगर कंडक्टर फिक्स्ड है तो उसकी रेसिस्टेंस भी फिक्स्ड होगी. आप कंडक्टर को बदलोगे तब जाके रेसिस्टेंस बदलेगा. अच्छा, रेसिस्टेंस का दिमाग में इमेज बन रहा है ना, वो चीज जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देता हो, वो रोकने की टेंडेंसी रेसिस्टेंस कहलाती है ना? समझ रहे हो ना बात को? तो ये क्या करता है? रेसिस्टेंस क्या करता है? फिक्स्ड होता है किसी गिवन कंडक्टर के लिए. किसी गिवन कंडक्टर के लिए मेरा रेसिस्टेंस क्या होता है? फिक्स्ड होता है. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की. तो कहा गया एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम. क्या होता है? ओम होता है. और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं? ओमेगा से. ये देखो, ये ओमेगा हमारा ग्रीक अल्फाबेट है ओमेगा, तो इसको ओम पढ़ते हैं, है ना? ओम, 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम मैंने भी यूज किया था. तो रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम होती है. कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई दिक्कत? तो इतनी बातें आपने रेसिस्टेंस के बारे में सीखा. क्या सीखा? कि रेसिस्टेंस क्या होता है. आपको पता है रेसिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कंडक्टर चार्ज के फ्लो को रोकता है. ठीक, फिर किसी भी फिक्स्ड कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस फिक्स्ड होती है. और अगर हम बात करते हैं उसके एसआई यूनिट की, तो रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है. बोलिए, कोई दिक्कत है? यहां तक की बात समझ में आई? अब इसके बारे में अभी बहुत सी चीजें डील करनी है, बहुत छोटी 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 बड़ी बहुत सी बातें करेंगे डील, आगे चल के पढ़ेंगे उसको. लेकिन अभी के लिए इतना काफी है. आज का लेक्चर इतने देर का काफ़ी है, ज़्यादा लंबा करने से बोरिंग हो जाएगा. और जो चीज़ें आपको ग्रैस्प अच्छे से करनी है आप ग्रैस्प नहीं कर पाओगे. आप मोस्ट प्रोबेबली बुक खरीद लो, एसचन की बुक खरीद लो और जाके अब बुक को रीडिंग डालना स्टार्ट करो. एसचन और एनसीईआरटी, दीज टू आर द बेस्ट बुक जो आपको प्रेफर करनी चाहिए. देखो क्या होता है, जब टीचर पढ़ाता है तो वो अपने कॉन्सेप्ट को तुम्हें देता है. ठीक, अब वो तुम्हारा उधार का लिया हुआ कॉन्सेप्ट है, तुमने मेरे से वो कॉन्सेप्ट लिया, तो मेरे से जो कॉन्सेप्ट लिया वो कॉपी पेस्ट वाली चीजें हो गई. आपकी खुद की क्रिएटिविटी तब डेवलप करेगी जब आप बुक को पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे. तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहां बता रहा हूं, जो भी टॉपिक मैं डील कर रहा हूं, बढ़िया है, बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ चलेगा, मक्खन के माफिक चलेगा, सही है. लेकिन
इन टॉपिक को अगर आप घर पे जाके रिवाइज करते हो और उसके बाद उस टॉपिक को एस चांद की बुक से या एनसीईआरटी के बुक से उठा के पढ़ते हो तो तुम्हारा खुद का सेंस डेवलप करेगा, तुम खुद से सोच पाओगे कुछ चीजों को, फिर क्वेश्चंस अराइज होंगे, फिर मेरे से क्वेश्चंस पूछोगे। आ रही है ना बात समझ में? तो दिल लगा के पढ़ो और उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। मन से पढ़ो, ऑनेस्टी के साथ पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।